हमारे YouTube चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर हो गए। थैंक यू सो मच। तो चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। और आज के मौसम की बात की जाए तो भाई साहब, हल्के फुल्के बादल, बाकी नीला आसमान ज्यादा है और बाकी सामने देखिए सूर्य देव दर्शन दे रहे हैं। और आज हमारे साथ है ट्रेंडिंग गर्ल आंटी यानी की अनीता, जिसको आप भर भर के प्यार दे रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, ऐसी सपोर्ट करो, ऐसी प्यार दो। ए बाबा आप कोशिश तो कर रही है बोलने की, अंदर कैमरा लेके स्टाइल से बोल रही है कि ऐसा बोलूंगी ऐसा बोलूंगी। बाकी माँ जी और भाभी जी तो लगे हैं आज पत्थर लाने पे। और ठीक गौशाला डिपार्टमेंट की बात की जाए तो मधुरी अभी बैठ रखी है और बाकी इस भाई को किसने बोला कि खड़ा रहे, आराम से खड़ा हो रखा है। हालांकि धूप तो आ रही है लेकिन हवाएं भी चल रही है। तो अनीता के इस चैनल पे लगभग 4700 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो लगभग आज 5000 भी होने वाले हैं। यानी कि दो वीडियो से 5000 सब्सक्राइबर गेन करना बहुत बड़ी बात होती है भाई, क्योंकि मुझे तो 5000 जाने में लगभग 1.5 साल लग गया था। आप ही की मेहनत का फल है ये। हाँ ये तो जरूर है कि जो मैंने 3 साल तक मेहनत की है उससे भाई मेरे को फल तो मिल रहा है। यानी कि मैंने एक बार बोला कि अनीता को सपोर्ट करो, आप लोगों ने कई बार कर दिया है। और लव यू दोस्तों, ऐसे सपोर्ट करते रहना, क्योंकि इस 3 साल के सफर में मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ ताने सुने हैं, कभी सुख भी देखा है तो दुख की ज्यादा सीमाएं लांगी है, क्या बोले। लेकिन चलिए, हर दुख को अपनी सीढ़ी बना के चलता रहा क्यों। और अब तो अनीता आ गई मेरे साथ ब्लॉगिंग में, अब तो और मजा आएगा। यानी कि पहले एक कंधा था, अब दो कंधे हो गए नहीं। सपोर्ट करेगी? 4 कंधे ये बोली 4 कंधे बोले हमारे। ठीक, अगर चौक की बात की जाए तो शेरो महाराज अपना रिकॉर्ड तोड़ने पे लगे हैं, मस्त करके नींद आ रखी भाई साहब को। और ठीक अगर यहाँ की बात की जाए तो दोनों दादी बैठ रखी है और धूप सेक रही है। क्या हाल है दादी? और तेरे क्या हाल है दादी? ठीक है, चलो ठीक है, गप्पे मर रही है, मारो मारो गप्पे मारो, ठीक है, सब बढ़िया सब बढ़िया। तो काफी अच्छा लगता है जब घर में बुजुर्ग दिखाई दे, क्योंकि ये चीजें काफी दुर्लभ हो गई देखनी। चले जा, आज मैंने अपने दोस्त के बालक के अनुप्राशन में जाना है। अनुप्राशन का मतलब होता है कि आज बालक को अन्न चखाया जाएगा, यानी कि आज से वो अन्न खाना शुरू कर देगा। आज से पहले वो सिर्फ दूध पीता था लेकिन आज से उसको लगभग हर प्रकार के व्यंजन चखाए जाएंगे। और फिर इसमें बहुत सारे विधान भी होते हैं, नीचे वो रखे जाते हैं, पेन रखा जाता है, पैसे रखे जाते हैं, बहुत प्रकार की चीज रखते हैं। तो फिर ये भी बोलते हैं कि बालक जिस चीज पे हाथ लगाएगा उस चीज को अपने लाइफ में अचीव करेगा। दोस्त का बालक क्या पकड़ता है आज? हमारा बालक कहीं हमारा गला ना पकड़े भाई साहब इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। खैर चलो, ये तो मजाक है। अब मैं तैयारी करता हूँ दोस्त के यहाँ जाने की, क्योंकि उसका फोन मेरे को सुबह आ गया था और पिछले साल आपने देखा होगा मैं उसकी शादी में भी जा रखा था। आज पता नहीं क्या हो रहा है कि पेड़ की टहनियां देख रहा हूँ, खंबे देख रहा हूँ, तार देख रहा हूँ, लेकिन कहीं भी मेरे को चिड़िया नजर नहीं आ रही है। और अगर चिड़िया नहीं दिखाई दे रही तो बड़ा सोना सोना लग रहा है, क्योंकि इनके साथ भी रहने की आदत पड़ चुकी है। बाकी चलिए जी, यहाँ मशीन से कपड़े धुले जा रहे हैं। श्रीमती जी कपड़े धुलो, ठीक है कपड़े तो धुल दे, अब ड्रायर हो रहे हैं कपड़े, ठीक है। अनीता थोड़ा माँ को भी सिखा दे रहे यार वॉशिंग मशीन चलाना। हाँ बात सही है, माँ जी सीखती नहीं है, माँ जी सीधे उठाती कपड़े पनिहार चले जाती नहीं। हाँ झाड़ू क्यों रखा हो तूने हाथ में है? मेरे को माँ ने ली तो लाया? अच्छा झाड़ू मारेगी, नहीं तो मैं डर गया था। सही है सही है सही है सही है सही है। हाँ मैं बाहर चले गया। अरे शर्मा क्यों हो रही, तू काम करने में शर्माती है? अब तो ब्लॉगर बन गए तू, अब तो तुझे खूब काम करना चाहिए कैमरे के आगे भी। आज तक हमेशा कैमरे के पीछे काम करती है, लेकिन अब तुझे कैमरे के आगे भी करना है, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सामने अगर हिमालय की बात की जाए तो वहाँ बादल छा रखे हैं और धुंध भी छा रखी है, तो इस वजह से जो हिमालय का नजारा है वो साफ नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी माँ जी और भाभी जी लगे हैं आज पत्थर लाने पे। शेरू पहले यहाँ पे सो रखा था, अब उसके लिए हमने कंबल बिछा दी है, तो यहाँ पे मस्त करके सो गया। चलिए जी, अभी अभी मैंने देखा है अनीता के YouTube चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, वो भी दो वीडियो डालने से, तो काफी प्राउड की बात है हमारे लिए। अनीता थारे YouTube चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर हो गए। थैंक यू सो मच। तो चले जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया अनीता को। आप कुछ बोलना चाहोगे? धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। ए बाबा
स्पीचलेस हो गए भाई, इसके पास शब्द ही नहीं है ने? चल चल बहुत बहुत बधाई भाई, ऐसे आगे बढ़ते रहो ठीक है। माँ आज अनीता के 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, धन्य धन्य बाद बाद खुश हो रही खुश बाद बाद या मेरे भाई की भतीजी को आगे बढ़ाने रही है। हाँ माँ जी की भतीजी है अनीता, तो आगे बढ़ाते रहो। भाभी जी आप कुछ बोलोगे? धन्यवाद, गाली दे दो। भाभी जी बोल रही, मैं कुछ नहीं बोलते, मैं गाली दे दो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही गाली बोला वैसे भाभी जी ने यहाँ से रेस मार दिया, अरे भाभी पीछे पीछे पीछे। चलिए माँ और भाभी दोनों चले गए फिर पत्थर सारने के लिए। अनीता की तो आज छुट्टी है, लेकिन आज किसी और का पेपर है, तो वो सब लोग अब दूसरी पारी में पेपर देने जा रहे हैं। और सुबह तो बादल छोटे छोटे थे, लेकिन अब देखो इधर साइड से तो पूरा आसमान काला होने लग गया है। चलिए जी अब मैं दोस्त के यहाँ निकलता हूँ, क्योंकि दोस्त का दो बार फिर फोन आ गया कि आ जाओ आप, क्योंकि अब जो विधि विधान है वो शुरू होने लग गया वहाँ। और देखो बादल बहुत ज्यादा आकार में घिर के आ गए, और बाकी सूर्यदेव भी बादलों के पीछे छुप गए हैं। और बादल लगने के बाद कुछ गाँव का नजारा इस प्रकार से है, और सामने देखिए मेरी नानी का जो गाँव है वहाँ से भी बारिश आने लग गई है। चारों तरफ बारिश से जो धुंध उड़ती है वो दिखाई दे रही है। और दादी यहाँ पर सो रखी है, और इतना ठंडा हो रहा है कि दादी ने कंबल भी निकाल दिया है। दादी बारिश लगी तो अंदर जाना है ठीक है। चलो मैं दोस्त के यहाँ चलता हूँ। चलिए अंदर जो पूजा पाठ का विधि विधान कार्यक्रम है वो अंदर चल रहा है अभी। जब वो कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही सब लोग खाना खाएंगे, लेकिन उससे पहले हर कोई ऊपर आसमान की ओर भी देख रहा है, क्योंकि बादल बहुत ज्यादा घिर के आ गए हैं। और ये यहाँ पर है मेरी बूढ़ी जी, यानी कि मेरे जो दादाजी है उनकी इकलौती बहन। तो दादा लोग तो सब भाई चले गए दुनिया से, बाकी बूढ़ी जी है बेचारे, ये भी बहुत दर्द में है। तो जितने भी मेहमान अभी आ रहे हैं तो सबके लिए पहले चाय की व्यवस्था की जा रही है। चाय बनाने वाला शुभम भाई है, पहाड़ी भाई पीना चाय। किसी भी कार्यक्रम में मैं चाय बनते हुए देखता हूँ ना भाई, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ उससे। और चाय में दूध का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर रखा है, यानी कि प्योर दूध की चाय मिलेगी आज। चलिए जी सबने गर्मा गर्म चाय पी ली है, और अब जाके खाना खाने की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि सब बोल रहे हैं जब तक बल इंद्रदेव मेहरबान है तब तक खाना खिला देते हैं सबको। चलिए जी फाइनली हवन हो गया है, अब इतने प्रकार के भोग हैं, ये मामा के हाथ से भांजे को चखाया जाएगा। तो प्रशांत भाई बहुत बहुत बधाई हो, शादी में भी आया था और बच्चे की अनुप्राशन में भी आ गया, और हमारे शादी में तुम दिखोगे नहीं मुझे पता है। अब मामा खिलाएगा अपने भांजे को सबसे पहले अन्न। चखले 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 चखले, अरे ताली बजाओ भाई सब लोग। तो चलिए जी अन्नप्राशन तो हो गया, और बाकी अब जो मेन प्रक्रिया है वो हो रही है। अब इसमें किताब पेन पैसे सब चीज रखी हुई है, तो बच्चा किस चीज को सबसे पहले उठाता है? चलो भाई उठाओ, गाड़ी चाय बिठा यार। पिताजी की इज्जत रख दी भाई। चलिए जी फाइनली वहाँ से सारा कार्यक्रम निपट गया है, और बाकी प्रशांत भाई ने खाना बना रखा था भाई साहब, इतना स्वादिष्ट हो रहा था ना, तो हर कोई जो भी खाना खा रहा था सब तारीफ कर रहे थे। तो बाद में पता चला कि वो प्रशांत भाई ने बना रखा था, मानना पड़ेगा भाई। और एक बार फिर से यार आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो भाई बेटे के अन्नप्राशन के लिए। अरे बस 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 तेल ही नहीं भाई। और बाकी यहाँ की बात करें तो दादी ने कंबल निकाल रखा है, और मेरा ब्लॉग चल रहा है यहाँ। तो भाई माँ जी तो लगी है आज पत्थर लाने पे। हाँ जी लगे हो पत्थर लाने पे, खाना खा लिया? पक्का? पक्का खा लिया माँ, बोटी खाना बल पक्का खा लिया है। चलो ठीक है। और शेर को देखो गेट के पास ही सो गया मस्त करके, और ये यहाँ पे सो गया, और नीचे से भाभी जी आ गए बड़े बड़े पत्थर लेके। अरे हट जा भाई, हाँ भाई जिंदगी बचानी तो हट जा, भाभी जी कोई भरोसा नहीं है, हट जा। चलिए जी धूप के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन भाई साहब जो तूफान है उसके दर्शन तो हो रहे हैं अभी। ओ भाई साहब बड़ा खतरनाक दृश्य है, और इस तूफान को देखकर मधुली और बिंदु घबरा रहे हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, दोनों की नजर मेरी तरफ है। चलिए जी मेरी तैयारी अभी मार्केट जाने की, तो मार्केट से थोड़ा सामान लाता हूँ, और एक मैंने इसके लिए केक ऑर्डर करवा रखा था तो वो भी लेके आता हूँ। और अपने धनो काफी दिन बाद स्टार्ट की, तो बहुत मुश्किल से स्टार्ट हुई अभी, तो जब तक बारिश होती है उससे पहले घर आ जाते हैं।
चलिए जी, केक लेके और फाइनली कुछ सब्जी लेके मैं घर आ गया हूँ। बाकी जैसे ही मैं घर पहुंचा, शेरू तो मस्ती में चल रहा है, बाकी यहाँ देखो बारिश की बूंदे भी गिरने लग गई है। तो कुल मिला के ये बात है कि मैं टाइम पे पहुंच गया हूँ घर, तो बच गया मैं बाल बाल बारिश से। तो चलिए जी, समय अभी 6:10 हो रहा है और बाकी अब अनीता रात के खाने की तैयारी कर रही है। हेलो। और बाकी दादी यहाँ पर लहसुन छिल रही है और साथ में दादी दंगल मंगल भी देख रही है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लगे रहो। है आज क्या बन रहा खाने में? गोभी आलू। अरे वाह, गोभी और यहाँ पर आलू का चालू बेटा ने। चलो ठीक है ठीक है। तो चले जी, फाइनली माँ भी घर में बैठ गई है, क्योंकि माँ तो भाई साहब बहुत काम करती रहती है। अब जाके माँ जी बाहर ही बना रही है और यहाँ पर ललिता बैठ रखी है और साथ में दादी वहाँ से दंगल मंगल देख रही है और अनीता दादी के लिए खाना बना रही है अभी। तो चले जी, हमारी घर की जो मुख्य अतिथि है यानी कि दादी, सबसे पहले दादी को खाना दिया जाता है और दादी को गर्मा गर्म खाना दे दिया है। हाँ जी भगवान जी, खाओ आप, है लगे रहो खाने पे। और खाने में है आलू गोभी की मिक्स सब्जी और साथ में घर में पीसी हुई चटनी और गर्मा गर्म रोटी ने। तो चलिए फाइनली और समय आ गया कि अनीता की जो 5,000 सब्सक्राइबर है उसके सेलिब्रेशन में केक काटा जा रहा है और अनीता काफी खुश हो रही है। हेलो हेलो हेलो, हा हा हा, कितनी खुशी मिल रही है। हमारी माता श्री भी तैयार है यहाँ पर डांस करने के लिए। पूरे दिन भर आज माँ ने पत्थर लाए। और माँ जी कमर में दर्द हो रहा है? बल्ले माँ की कमर में दर्द हो रहा, लेकिन डांस तो करेगी आज। माँ भाई हमेशा चाहे दर्द हो कुछ भी हो अपने हंसी खुशी में रहती। नहीं माँ, सही है सही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। अबे बर्थडे नहीं है वो, 5,000 सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन है वो। बर्थडे बनाने की आदत पड़ी हुई तेरे को। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, फूंक मारो। अनीता कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। है ऑडियंस को क्या बोलना चाहेगी? थैंक यू सो मच, ऐसे हमें सपोर्ट करे, सबको सपोर्ट करे। सुन लिया? ठीक है ठीक है। माइक डांस हो जाए। देखिए जी, बिना सॉन्ग के नाच रहे भाई साहब, ये क्रिएटिविटी हर किसी के अंदर नहीं होती। आपकी शादी के लिए कर रहे हम तैयार। अरे वाह 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 वाह, सही है सही है सही है सही। नहीं जी, आप भाभी लाओगे। भाई साहब इसने मेरे को इतना हैरेसमेंट कर दिया ना भाभी भाभी के नाम से, अब तो लानी पड़ेगी कहीं से। ये भी सही है। है माँ जी, लानी पड़ेगी अपनी। अच्छी बात बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। इसने किसी को नहीं पूछो, अपने आप कारी किए। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखो, इसके अंदर उन्होंने फ्रूट कलर भरा हुआ है। इसको बोल रही कि इसके अंदर गाजर का हलवा भर रखा उन्होंने। और यहाँ माँ भी लग गए। माँ तू भी खा रही? सही है सही, लगे रहो दोनों।